गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अभी जो है लेसन नंबर 1 का रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का नेचर, यानी मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो मैनेजमेंट नेचर में हमारे जो है 4 टॉपिक्स हैं, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी। अब पहले तो हम ये समझें कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टीडिसिप्लिनरी कैसे है, यानी जो मैनेजमेंट है उनके जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं, उन प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स में से अलग अलग चीजों को अडॉप्ट करके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए गए हैं। इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज को इकट्ठा करके मैनेजमेंट में लिया गया है, इसलिए इसको मल्टीडिसिप्लिनरी कहा गया है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या चीज ली गई है। तो फर्स्ट हमने इसमें इकोनॉमिक्स, यानी जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसमें से मैनेजमेंट में क्या चीज अडॉप्ट की गई है। तो नंबर 1 है डिसीजन मेकिंग। जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है उसमें इकोनॉमिक्स में समय समय पर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो आपके राजनेता होते हैं, वो समय समय पर डिसीजन लेते रहते हैं। तो वो डिसीजन किस तरीके से ले रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग जो है इसको मैनेजमेंट में लिया गया है, क्योंकि मैनेजमेंट करने वाले लोगों को भी समय समय पर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। तो एक जो इकोनॉमिक्स है उसमें से लिया गया डिसीजन मेकिंग। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो लिया गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से अलग अलग जो है वो लोकेशन पर डिवाइड किया जाए, यानी किस तरीके से उसको कहाँ पर कौन सा जो रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज किया जाए। तो ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो भी इकोनॉमिक्स से लिया गया है। इसके बाद है मैनेजमेंट रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हमको मिले हैं, एलोकेट किए गए हैं, उन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से मैनेजमेंट करके यूज करें। ये 3 जो टॉपिक्स हैं, डिसीजन मेकिंग, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये 3 चीजें जो हैं वो मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स से ली गई हैं। इसके बाद सेकंड है पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में से नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। जैसे बीजेपी में आपके कौन कौन से बीजेपी मेंबर्स हैं, उनमें कौन पर्सन जो है वो क्या है, किस पद पे लगा हुआ है, वो क्या काम करेगा, तो ये पॉलिटिकल साइंस का स्ट्रक्चर है। तो जो मैनेजमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो ढांचा है या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, ये काम जो है हमने पॉलिटिकल साइंस से लिया है। फिर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्ट्राइन, यानी उस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जो सिद्धांत या नियम होने चाहिए, वो भी हमने पॉलिटिकल साइंस से लिए हैं। तो ये 2 चीजें हमने मैनेजमेंट में पॉलिटिकल साइंस से ली है। इसके बाद है बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। अब बायोलॉजी और फिजियोलॉजी से हमने क्या चीजें ली हैं, तो सबसे पहले हमने लिया है प्रिंसिपल रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर, यानी जो बायोलॉजी है वो इस बात का एक्सप्लेन करती है कि कोई भी जो पर्सन है वो किस तरीके से उसको उसके बिहेवियर को समझा जाए और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। तो बायोलॉजी और फिजियोलॉजी से कौन से प्रिंसिपल्स लिए हैं मैनेजमेंट में, कि एक तो रिलेटेड टू आपके अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर, यानी किसी के भी बिहेवियर को समझना कैसे है और उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये 2 चीजें जो हैं बायोलॉजी और फिजियोलॉजी से ली गई हैं। इसके बाद है सोशियोलॉजी, यानी समाज। तो सोशियोलॉजी से हम जो मैनेजमेंट है उसने क्या लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, यानी जो समाज में अलग अलग मेंबर हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं और जो समाज का ग्रुप है वो किस तरीके से बिहेव करता है, इसको समझने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट में लिए गए हैं। क्योंकि मैनेजमेंट में भी जो मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर्स होते हैं वो बहुत सारे लोगों से काम करवाते हैं, बहुत सारे वर्कर्स से काम कराते हैं,
तो उनके बिहेवियर को, पर्सनल उनके बिहेवियर को या ग्रुप में उनके बिहेवियर को समझने के लिए उनको ये जो कॉन्सेप्ट है ये उनको चाहिए। इसलिए जो हमने सोशियोलॉजी से प्रिंसिपल लिए हैं वो मनुष्य के बिहेवियर को या ग्रुप के बिहेवियर को समझना कैसे चाहिए उसको हमने यूज किया है। इसके बाद थर्ड है एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र। मानव शास्त्र से क्या लिया है, डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स वैल्यू, यानी जैसे हम ये कहते हैं कि मनुष्यों का जो समाज है उसमें क्या क्या उनकी वैल्यूज हैं, वो किस तरीके से अपने को अपने में वैल्यूज डेवलप करते हैं, किस तरीके से उनकी सोच है समझ है उसको समझने के लिए जो एथिकल वैल्यूज हैं उनको जो है वो मैनेजमेंट में आपने इंक्लूड किया है। तो ये जो पांच पॉइंट्स थे या पांच सब्जेक्ट थे, इन पांचों सब्जेक्ट्स में से बहुत सारी जो थ्योरीज थी उनको कलेक्ट करके मैनेजमेंट की थ्योरी को बनाया गया है या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बनाया गया है। इसलिए मैनेजमेंट को एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया है, यानी मैनेजमेंट में जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल है वो अकेले मैनेजमेंट के नहीं है बल्कि उसमें इतने सारे सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ जो है अडॉप्ट किया गया है। ये तो कॉन्सेप्ट था आपके मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। अब सेकेंड है हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट, यानी जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस भी है और मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। तो इसको अपने को एक्सप्लेन करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि साइंस का मीनिंग क्या है, साइंस किसको कहते हैं हम, फिर उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, फिर जो करेक्टरिस्टिक्स साइंस में पाई जाती हैं वही करेक्टरिस्टिक्स क्या मैनेजमेंट में भी हैं। इसलिए यहां हम पढ़े अगर साइंस का मीनिंग, तो साइंस का मीनिंग क्या है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रिंसिपल पर आधारित है, जो प्रिंसिपल कहता है वो उसको प्रूव करके बताता है साइंस। कि अगर कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल में जो आपके, जैसे मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का कोई सूत्र है तो आपको वो सूत्र ये बताता है कि अगर आप उसके आधार पर कोई क्वेश्चन करेंगे तो उस सूत्र से जो क्वेश्चन हल करेंगे उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, यानी साइंस जो कहता है उसको प्रूव करके बताता है। तो ये तो था साइंस का मीनिंग। अब यहाँ हम देखें कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, यानी साइंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नंबर वन, साइंस प्रिसाइड्स प्रिंसिपल, यानी साइंस ने क्या किया है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं और वो प्रिंसिपल्स जो है वो उन्होंने बनाए हैं। इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, साइंस जो होती है वो कारण भी बताती है और उसका रिजल्ट भी बताती है कि अगर इस कारण से हम काम कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये भी एक्सप्लेन करती है। फिर जो थर्ड है वो बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड फैक्ट्स, जो साइंस की करेक्टरिस्टिक्स है ये कह रहा है कि साइंस जो है वो ट्रुथ सत्य पर आधारित है और फैक्ट पर आधारित है, यानी बाकायदा उसको रिसर्च करके बनाया गया है। इसके बाद फोर्थ है यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज किया जाता है अनेक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम में लिए जाते हैं। फिर फिफ्थ है थ्योरीज कैन बी टेस्टेड, साइंस ने जो भी थ्योरीज दी हैं वो बाकायदा टेस्ट करके दी हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने फैक्ट नहीं किया, उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, जो भी थ्योरीज बनाई गई हैं वो एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई हैं, इसलिए इनकी जो थ्योरी है वो कैन बी टेस्टेड। अब हम ये देखेंगे कि ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या मैनेजमेंट में भी हैं, तो हाँ कैसे हैं, हम ये कहते हैं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो बनाए गए हैं और वो मैनेजमेंट करने में यूज लिए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी कॉज और इफेक्ट बताते हैं, कारण क्या है और उसका परिणाम क्या होगा उसको बताते हैं। फिर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो ट्रुथ और फैक्ट्स पर आधारित हैं, यानी वो सत्य हैं बिल्कुल और उन्होंने फैक्ट्स पर आधारित किया है कि कुछ ना कुछ उसके आंकड़े हैं। फिर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम, मैनेजमेंट में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरीज हैं या प्रिंसिपल हैं उनको यूज में लिया जाता है। इसके बाद है थ्योरीज कैन बी टेस्टेड, और फिर जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो बाकायदा आपके बड़ी बड़ी कंपनियों की रिसर्च करके बनाए गए हैं। इसलिए ये पांचों की पांचों जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके मैनेजमेंट में भी पाई जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। अब हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट भी है, तो हम देखेंगे आर्ट का मीनिंग,
और आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मैनेजमेंट में भी पाई जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखें मीनिंग। तो आर्ट का मीनिंग होता है किसी भी काम को बहुत ही सुंदर तरीके से करना। काम सब कर रहे हैं लेकिन सबका काम अलग अलग तरीके से आ रहा है, तो कोई व्यक्ति उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, कोई व्यक्ति उसको अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। तो आर्ट का मतलब है कि किसी भी काम को जो आपको दिया जाए वो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से आप करो, तो आप एक आर्टिस्ट हो। अब इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो नंबर वन अचीव द डिजायर रिजल्ट, यानी जो आर्टिस्ट होता है उसकी जो माइंड में क्रिएटिविटी होती है वो ये सोचता है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है मेरा रिजल्ट ऐसा ही आना चाहिए, यानी मैं जिस चीज को जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो वैसी ही बननी चाहिए, यानी मेरी जो डिजायर है वो रिजल्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए। फिर सेकंड है पर्सनल टैक्ट एंड नॉलेज। आर्ट जो होती है वो इंडिविजुअल पर्सन पर आधारित होती है। कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है आर्टिस्ट, कुछ बहुत ज्यादा कम इंटेलिजेंट हो सकता है आर्टिस्ट। तो ये किस पर आधारित है, पर्सनल टैक्ट एंड नॉलेज पर, हर व्यक्ति की अलग अलग टैक्ट पर आधारित है। इसके बाद है रिलेटेड टू प्रैक्टिस नॉलेज। जो आर्ट होती है वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए वो आर्ट उतनी ही बढ़ जाती है, यानी एक आर्टिस्ट लगातार प्रैक्टिस करते करते एक बढ़िया आर्टिस्ट बन सकता है। तो ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम ये देखें क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में है, तो हाँ। जैसे हमने कहा अचीविंग द डिजायर रिजल्ट, जो मैनेजर्स होते हैं जब मैनेजमेंट का काम करते हैं तो वो भी इसीलिए काम करते हैं कि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए, उनको रिजल्ट के लिए वो काम करते हैं। यानी मैनेजमेंट किसके लिए कर रहे हैं, डिजायर रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। फिर जो मैनेजमेंट है वो पर्सनल टैक्ट और नॉलेज पर आधारित है। कोई प्रबंधक या मैनेजर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई मैनेजर कम इंटेलिजेंट हो सकता है, तो ये पर्सनल टैक्ट और नॉलेज पर आधारित है। अब रिलेटेड टू प्रैक्टिस नॉलेज, अब एक व्यक्ति जब किसी काम को पहली बार करता है तो वो अनजान होता है उस काम से, लेकिन जब धीरे धीरे वो उस काम को बार बार करता है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो रिलेटेड टू प्रैक्टिस नॉलेज, ये नॉलेज जो है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट में साइंस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, मैनेजमेंट में आर्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस और आर्ट दोनों है। यानी मैनेजमेंट साइंस भी है क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और मैनेजमेंट आर्ट भी है क्योंकि मैनेजमेंट जितने आर्टिस्टिक तरीके से किया जाए वो मैनेजमेंट का रिजल्ट उतना ही बढ़िया निकलता है। तो आज हमने दो टॉपिक खत्म किए, मैनेजमेंट एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी और मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट। इसके आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे।